जय श्री श्याम। दोस्तों, किसी छोटे से शहर में एक छोटा खुशहाल परिवार रहा करता था, जिसमें पति पत्नी और उनके दो बच्चे थे। पति एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में सेल्समैन की जॉब करता था। सब अच्छा चल रहा था कि फिर एक दिन अचानक ना जाने कहां से एक भयंकर महामारी का आगमन होता है और एक खतरनाक जानलेवा वायरस पूरे विश्व में हाहाकार मचा देता है। करोड़ों लोग उसकी चपेट में आते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं, और जो बचते हैं ना जाने उनमें से कितने ही बीमारी से लड़ते लड़ते अपने परिवार और अपने उम्र भर की इकट्ठी की हुई जमा पूंजी को खो बैठते हैं। और इसी दौरान वह आदमी भी अपनी बीवी और अपनी उम्र भर की जमा पूंजी खो बैठता है, और फिर सब काम धंधे बंद हो जाने के कारण मजबूरन अपने और अपने दो बच्चों का पेट पालने के लिए एक सेल्समैन से सब्जी वाला बन जाता है। जैसे तैसे करके वह अपने बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करता है, पर अपने बेटे को अच्छे स्कूल में भेजना नहीं छोड़ता। स्कूल में सब उसके बेटे को सब्जी वाले का बेटा कहकर चिढ़ाते और कभी उसके फटे पुराने कपड़ों पर उसे ताना देते। लेकिन दोस्तों, मुसीबत अभी टली नहीं थी। एक साल बाद एक बार फिर वह वायरस पहले से ज्यादा दुगनी शक्ति और भयंकर रूप लेकर लौटता है, और तब पहले से भी ज्यादा लोगों को बिना अपने से लड़ने का मौका दिए तुरंत ही अपनी चपेट में लेकर उन्हें खत्म कर देता। और इस बार उस बीमारी का शिकार वह सब्जी वाला बनता है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक उस वायरस का एंटीडोट निकालने में लगे हुए थे, पर अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। इसलिए लोगों के पास उस बीमारी से लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब उस सब्जी वाले को अपने बच्चों की चिंता होती है, मेरे बाद इनका क्या होगा भगवान, वह सोचता है। और फिर अपने पर्स में से एक फटा पुराना कागज निकाल उसे खोल पढ़कर मुस्कुराता है। यह देख उसका बेटा पूछता है, क्या हुआ बाबा? जब भी तुम दुखी या परेशान होते हो यह कागज निकाल पढ़कर मुस्कुराने लगते हो। जब माँ बीमार थी तब भी तुमने यही किया था। क्या है ऐसा इस कागज में? बाप जवाब देता है, बेटा, ये दुखों से लड़ने का हथियार है, इसे अपने पास रखो, पर इसे तभी खोलना जब मैं। और अचानक बोलते बोलते बाप का सांस फूलने लगता है। बोलो मत बाबा, मैं तुम्हारे लिए विक्स डालकर गर्म पानी लाता हूँ। रात भर बाप बेटे से अपनी तकलीफ छुपा घर के कोने में पड़ा रहता है, ताकि उससे ये बीमारी उसके बच्चों में न फैले। अब सुबह जब बेटा उठता है तो बाप को घर में न देखकर घबरा जाता है। घर से बाहर जाता है तो पड़ोसी बोल पड़ते हैं, तेरा बाप रात को महामारी का शिकार हो गया, पर तू बाहर कैसे आया? अभी तेरी जांच होनी बाकी है, चल अंदर जा, कहीं हम सबको भी तुझसे बीमारी न हो जाए। बेचारा लड़का भारी मन और आंखों में आंसू लिए घर के अंदर जाता है और एक कोने में बैठकर माँ बाप को याद कर रोने लगता है। तभी उसे अपनी 2 साल की बहन की रोने की आवाज आती है। अरे छोटी तो भूखी होगी, यह सोच वह जैसे ही उठता है उसकी नजर जमीन पर पड़े वह फटे पुराने कागज पर जाती है जो कि उसके पिता ने उसे दिया था। एक बार फिर वह भारी मन से उस कागज को उठा खोल कर उसे पढ़ता है। यह वक्त भी बीत जाएगा। यह पढ़ते ही जैसे उस लड़के को अपनी परिस्थितियों से लड़ने की एक नई हिम्मत सी मिल जाती है। अपने आंसू पोंछ कर वह अपनी बहन को गोद में लेता है और फिर घर के बाहर बंधा अपना बाप का सब्जी का ठेला निकाल कर अपनी बहन के लिए दूध का इंतजाम करने और अपना पेट भरने के लिए काम के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, कई बार इंसान के जीवन में आई दुख परेशानी बहुत बड़ी होती है, पर उससे भी बड़ी होती है वह हिम्मत जिसे वह उन दुख परेशानियों का सामना करता है और उनसे लड़ता है, इस उम्मीद के सहारे कि आखिर यह बुरा वक्त भी एक दिन बीत जाएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।